गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। हमारा सीरीज चल रहा है इजी टू ट्रांसलेट, ये पार्ट 3 है उसका। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स। पहला रूल है वर्ब के साथ लगेगा, लगेगी, लगेंगे, यानी कि कोई काम होने लगेगा, कोई व्यक्ति कुछ करने लगेगा, उसमें हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे विल बिगिन टू का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये इजी टू ट्रांसलेट सीरीज के बारे में अभी पहली बार सुना है तो आप ध्यान रखें, इससे पहले हमारे 2 पार्ट बन चुके हैं, आप उनको भी जरूर देखें ताकि आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाएं और उसका फायदा स्पीकिंग में भी उठा पाएं। ठीक है, तो लगेगा, लगेगी, लगेंगे शब्द के लिए हम विल बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। इस बात को सुनकर वह हंसने लगेगा, यहां पर सब्जेक्ट है वह, हंसने लगेगा हमारी वर्ब है। He will begin to laugh. Begin to laugh मतलब हंसने लगेगा। Listening this matter, इस बात को सुनकर। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी verb के साथ कर आता है तो हम verb के साथ ing का यूज करते हैं, जैसे कि खा कर, पी कर, पढ़ कर, खेल कर। तो इसलिए यहां पर listen के साथ ing का यूज हुआ है। He will begin to laugh. वह हंसने लगेगा। Listening this matter, इस बात को सुनकर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वर्ब के साथ वाला है, वाली है, वाले हैं, यानी कि कोई काम होने वाला है। मान लो मैं बोलता हूं कि राहुल विदेश जाने वाला है, ठीक है, अब मनोज आने वाला है, ठीक है, हम एक फ्रिज खरीदने वाले हैं, या ऐसा कोई भी काम जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, आपके नजदीक फ्यूचर में है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस अबाउट टू। एग्जाम्पल है राहुल विदेश जाने वाला है, राहुल इज अबाउट टू गो अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा वाला था, वाली थी, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है कि कोई काम होने वाला था। एग्जाम्पल यहां पर हम इजेमार की जगह देखिए वॉज वर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में इजेमार यूज हुआ तो पास्ट में वॉज वर यूज होगा। अंकित तुम्हें कुछ बताने वाला था, अंकित वॉज अबाउट टू टेल यू समथिंग। अंकित हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अबाउट टू मतलब वाला था, टेल मतलब बताना, अंकित वॉज अबाउट टू टेल यू समथिंग, अंकित तुम्हें कुछ बताने वाला था। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज नंबर 3 है इजी टू ट्रांसलेट का। आई होप कि आपको अच्छे अच्छे रूल्स, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाने की हेल्प मिल रही है सीरीज के द्वारा। तो देखते रहिए इंग्लिश विद रोहित, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।